गोली से जब घीना निकला डब्बा ही चुराया, भाड़े की पतंग पे मैंने अपने सपनों को उड़ाया। कहते हैं मजबूरी का नाम होता है महात्मा गांधी, लड़ता रहा मैं अकेला बढ़ती रही ये आंधी। सत्याग्रह से कुछ ना मिला, झूठ का झंडा लहराया। कुछ ना होते हुए भी अमीर मैंने खुद को पाया, कुछ ना होते हुए भी बेखुदी को मैंने गवाया। सूरज ढल जाने पे भी है बढ़ता रहा मेरा साया। सत्याग्रह से कुछ ना मिला, झूठ का झंडा लहराया। कुछ ना होते हुए भी अमीर मैंने खुद को पाया, कुछ ना होते हुए भी बेखुदी को मैंने गवाया। सूरज ढल जाने पे भी है बढ़ता रहा मेरा। कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने क्या चल रहा है? कॉपी 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 यार, कॉपी चीटिंग। कैसे हो आप लोग यार? ये बड़ी दुनिया कॉन्ट्रोवर्सी से भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। तो यार अभी नहीं, मैं खुद तक वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट हुआ ऐसा कि मैंने कुछ वीडियो देखी तो कैबिन आंटी के नए सॉन्ग यलगार है, तो उसे बोला जा रहा है कि वो कॉपी है या किसी बाबू हब्बी नाम कोई बंदा है उसका, जो म्यूज़िक बनाता है तो उसकी कॉपी है। बट यार ये कॉपी हो या ना हो, लेकिन कैबिन आंटी की खुद कैबिन आंटी ने अपनी कैरिज लाइव में उसने खुद बोला था कि भाई देखो ये सॉन्ग यश करके कोई बंदा है, तो उसके सामने बनाया गया। तो तुम ये वीडियो खुद देखो और देखो तुम बताओ फिर यार कैसा हो सकता है। Gary just wanted to let you know some people are planning to take down Yelgar by claiming that the music was copied from other creators and the creator is also with snakes now, be careful। देखो यार जिसको लगता है ना ऐसे कि कॉपी वॉपी है भाई, देखो मैंने देखा है, मेरे सामने की बात है, यश ने मेरे सामने बनाया फ्रॉम स्क्रैच। मैं तुम्हें अपनी तरफ से अपना वर्ड देता हूँ तुम्हें, हमने कुछ ही बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गाना, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम तो हेटर्स हैं, वो तो हेट करेंगे, काम है। बट यार देखो मैं ना इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं इनसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस पूरी सिचुएशन से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कर दिया, हम अब बैन जो जिसको जो लगे, कुछ ना कुछ तो मतलब लोगों को ढूंढना ही है, हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढने। हाँ मैं समझता हूँ कि कभी कुछ चीज़ें होती है, कुछ शब्द कॉपी होते हैं। ऐसे तो टेक्निकल गुरुजी ने भी ये गाना पहले निकाला था यलगार वाला, कि जो भी है ये कहानी है वो सबको सुनानी है। तो ऐसे तो टेक्निकल गुरुजी ने पहले ये वीडियो बना चुका है, और टेक्निकल गुरुजी भी ये पहले सॉन्ग बना चुके हैं। हर चीज़, वैसे तो हर दूसरा गाना वैसे कॉपी ही होता है, कॉपी ही होता है भाई, कॉपी ही होता है तुम्हारी। और तुम जाए कि बोल रहे हो कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये तो हेटर से काम है और कुछ नहीं है। और ये बाबू हाबी नाम के उसने कोई बोला था ये गाना मेरा है, लेकिन वो गाना भी उसका नहीं है, उसने भी वो जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी उसने कहीं और से लिया है। कभी हम जब कुछ शब्द बोलते हैं हमारे पास वो शब्द नहीं होते हैं। जैसे कभी जो यूट्यूबर्स है, जैसे कोई यूट्यूबर्स है तो उनके कोई भी अगर वो बिगनर्स होते हैं ना, जैसे कि स्टार्टिंग के कुछ पार्ट जैसे बोलते हैं गाइस कुछ भी, मतलब आप कैसे हो, कैसे हैं आप, मतलब जो भी है, मतलब वो सब उनसे लेते हैं या किसी और से लेते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि कोई शब्द कॉपी नहीं होते, लेकिन ठीक है। तो यार कॉपी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये गाना कैबिन आंटी ने बहुत मेहनत से निकाला है भाई, तो ये कॉपी तो नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो शब्द कभी कभी हम बोलना चाहते हैं वो दूसरा बंदे ही बोल लेता है। हाँ ऐसा होता है, इंसेन बात है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, कुछ बातें वो बंदा बोल लेता है। तो लोग ये कहने वाली बातें यार ऐसा कुछ नहीं है कि वो कॉपी ऐसा नहीं है, बट ये है कि साउंड कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कर रहे हो दूसरा बंदा वही कर रहा है, जो हम कर रहे हो कभी कभी हम एक साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा बंदा भी जो हम बोलना चाहते हैं वो एकदम से बोल देता है साथ वाला। तो यार ये कोई ऐसी बात नहीं है, बट वो चीज़ है। तो कैबिन आंटी ने खुद अपनी वीडियो में बोला था, तो लेकिन मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे को लगा कि यार मुझे बोलना चाहिए और मेरा ओपिनियन देना चाहिए। तो लोगों, तुम लोगों के दिमाग अपने पास होना चाहिए कि भाई ये वीडियो कॉपी है कि नहीं है, तो अपने आप चल जाता है यार। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि कॉपी है भाई ऐसा वैसा, तो मेरे को भी किसी ने बोला कि भाई वीडियो बनाते हैं और चला इस पर वीडियो बना था अपना ओपिनियन दे। यार देखो मेरा ओपिनियन तो यही है, कभी कोई चीज़ कॉपी नहीं होती। और जो मैं रैप सुना था मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऐसे तो टेक्निकल वो रैप के अगर कुछ लाइन देखी जाए तो टेक्निकल गुरुजी ने बना रखी है वो गाना, ये कहानी है जो हम सबको सुनानी है। तो वो गाना कहने में वो टेक्निकल गुरुजी ने पहले बना चुके हैं। तो कुछ शब्द होते हैं जो बोल दिए जाते हैं,
कभी कभी कुछ उस शब्द के अर्थ नहीं होते तो वही शब्द वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो वर्ड वर्ड की बात है यार। ऐसे तो जो दूसरा गाना है, जो बंदा बोल रहा है कि गाना मेरे से कॉपी किया गया, तो वैसे तो उसने भी कॉपी किया है। जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बोबो कांटा नाम के एक गाने से मिलता जुलता है, तो भाई वो भी कॉपी हुआ क्या? तो दोनों सेम है। तुम सुनो जाके पहले वो गाना, पहले यलगार सुनो, उसके बाद जो बोबो कांटा है वो सुनो, और उसके बाद दूसरा वाला गाना सुनो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यार अगर हर गाने को अगर तुम ऐसे बोलो कि कॉपी है, या ये गाना कैसे चुराया गया, इसका साउंड कैसे चुराया गया, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे चुराया गया, या तो किस या इसका शब्द या वर्ड किसी के चुराए गए हैं, तो ऐसा तो बॉलीवुड का या हर गाना दूसरा कॉपी ही होता है, क्योंकि कुछ कुछ क्योंकि उसके वर्ड और उसके शब्द मिलते जुलते होते हैं किसी गाने से, देख सकते हो आपको। और आप जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि कैरिमिनाटी का जो यलगार गाना है वो कॉपी है बाबा हबी करके कोई बंदा है से, और दूसरा अमित पड़ाना से लेके तुम लोग बोल रहे हो। और ये साउंड क्या पता, कुछ बातें मिलती जुलती हो, कभी कभी हो जाता है कि जो हम बोलना चाहते हो दूसरा बंदा ये बोल लेता है। तो ऐसा हो सकता है कि कैरी मिनाटी जो बोलना चाहते हो वो जैसे कि टेक्निकल गुरुजी के शब्दों से या किसी के शब्द। और पहली बात तो ये है, जब कोई आगे बढ़ता है तो यार नॉर्मल सी बात है, लोग पीछे से बोलते ही हैं कि भाई क्यों ये गाना कॉपी है, या कुछ सब ऐसा बोलते ही है, मुझे पता है। तो यार छोड़ो इन चीज़ों को, तुम हर चीज़ को ले जाते हो बातों को ऊपर। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि भाई कॉपी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर मेरी बात हुई तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, गाना अच्छा था, बेहतरीन, मज़ा आ गया, आग लगा दी, और फालतू बातों को आगे मत बढ़ाया करो। और ये सब कॉन्ट्रोवर्सी वाले सीन है यार, ऐसे तो अगर हम हर चीज़ को अगर देखा जाए तो हर चीज़ पर जवाब देना मुश्किल होता है यार। हर बंदा, किसी को गाना पसंद आता है, किसी को नहीं आता, किसी को कुछ होता है, कभी किसी को यार इन चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ा करो। और कैरिमिनाटी ने खुद बोला, तो यार आगे बढ़ा करो। और कैरिमिनाटी ने खुद बोला अपनी वीडियो में कि अगर मैं हर चीज़ को ऐसे देखता रहूँगा कि ये जरूरी है जरूरी है, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसे बढ़ने दो और तुम भी आगे बढ़ो और इन चीज़ों को छोड़ो। और जिनका काम होता है ना, हेटर्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि भाई ये वीडियो टेक वो कर, ये वीडियो गलत है, ये चीज़ मतलब उनको कोई चीज़ सही लगती ही नहीं है। अगर वो हेटर्स हो तुम्हारे, तो उसकी तुम्हारी एक भी चीज़ उनको सही लगेगी ही नहीं भाई। तो यार बात ऐसी है कि ज़्यादा बोलना बेकार है, तो यार इन चीज़ों को छोड़ो। और जो बाबा हबीब और ये जो इनके लोगों के बोलने वाली बातें हैं, सब क्या बोल सकते हैं, जो अगर बंदा ऊपर उठ जाता है तो फिर पीछे बोलने वाले तो रहते ही है। और इन चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और इन चीज़ों से बोर उठो, और कोरोना वायरस चल रहा है, अपनी सेफ्टी रखो, घर में रहो, और ज़्यादा भार मत निकलो, और नई वीडियो जल्दी आएगी बिल्कुल मज़ेदार। जब तक इन वीडियो को एंजॉय करो, जब तक हमारे ओपिनियन ही आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, ठीक है? और बस एंड करते हैं वीडियो का, और मिलते हैं, बाय।